जी हाँ, बढ़ते वक्त के साथ घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाएंगे लाल किले की, जहां पर न्यूज नेशन की टीम पर हमला किया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज नेशन के कैमरामैन हरीश पुरी को बुरी तरीके से घायल किया गया है। आंदोलन के नाम पर जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उन्होंने मारपीट की है न्यूज नेशन की टीम के साथ। हमारे सहयोगी रुमान वहां पर मौजूद है, उनके साथ उनके वीडियो जर्नलिस्ट कैमरामैन हरीश पुरी भी मौजूद है, जो लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। और अब उन्हीं हरीश पर, हमारे सहयोगी, हमारे कैमरामैन पर हमला किया है उन लोगों ने जो वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के नाम पर मौजूद है। आंदोलन के नाम पर जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उन्होंने मारपीट की है। हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान को भी चोट आई है, साथ ही साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, हमारे कैमरामैन हरीश को भी बुरी तरीके से पीटा गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाल किले की दिखा रहे हैं, देखिए जरा, यही वो लाल किला है जहां से हमारे सहयोगी रुमान लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल मैं आपसे कुछ देर पहले, किसान यहां पर पहुंचे हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपना झंडा फहराया है। ये हर तस्वीर रुमान हमारे सहयोगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि किसानों के आंदोलन से जुड़ी कोई भी खबर आपसे बच ना जाए, छूट ना जाए। लेकिन इसी बीच किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्होंने यहां पर मारपीट की है, बुरी तरीके से घायल है हमारे सहयोगी हरीश, साथ ही साथ हमारे सहयोगी रुमान भी घायल है। न्यूज नेशन की टीम पर हमला किया गया है इस वक्त लाल किले पर। बड़ा सवाल ये कि क्या कानून व्यवस्था का इसी तरीके से मजाक उड़ाएंगे वो लोग जो खुद को किसान आंदोलन का हिस्सा बता रहे हैं, वो लोग जो मीडिया के इस चौथे स्तंभ पर हमला कर रहे हैं, वो लोग जो नहीं चाहते कि जो सच्चाई है, जो तस्वीर है, वो देश और दुनिया के सामने आ सके। कौन सा है वो तबका जो लगातार इस तरीके के काम कर रहा है, जो अब न्यूज नेशन की टीम पर हमला कर चुका है, जो लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लाल किले पर न्यूज नेशन की टीम पर हमला हुआ है। हमारे सहयोगी रुमान और हमारे सहयोगी हरीश बुरी तरीके से घायल हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर जो बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि दरअसल में आंदोलन के नाम पर ये कौन लोग हिस्सा हैं इस आंदोलन का जो मीडिया को भी नहीं बख्श रहे हैं। देखिए, आंदोलन के नाम पर सीधे सीधे गुंडागर्दी, आंदोलन के नाम पर सीधे सीधे देखिए तो उपद्रव, आंदोलन के नाम पर सीधे सीधे देखिए तो कानून को हाथ में लेने का समूचा दृश्य हम आंखों के सामने देख रहे हैं। किस तरह से लोहे के रॉड, डंडे, ट्रैक्टर को ऐसे यूज किया जा रहा है जैसे कि वो कोई क्रेन हो, और सारे बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, बसों से ट्रैक्टर लड़ाए जा रहे हैं और किसी को नहीं बख्शा जा रहा। आप देखिए कि हमारी टीम पर जो हमला हुआ है साफ तौर पर बता रहा है कि इन्हें न देश की संप्रभुता, न देश की अखंडता, न देश के स्वाभिमान, न देश के गणतंत्र और न ही देश के चौथे स्तंभ किसी की परवाह नहीं है। इस पूरे आंदोलन में घुसे हुए इन्हीं उपद्रवियों और इन्हीं इसी तरह के जो अटकाई जो तत्व है उसी को लेकर डर था लगातार। और बीच बीच हम देख रहे थे कि किस तरह का जो इनपुट सामने आ रहा है उभर कर, चाहे वो सीआईडी का इनपुट हो या फिर वहाँ के इंटेलिजेंस का इनपुट हो, बता रहा था कि भीड़ में जो घुसे हुए एक तरह से बैड एलिमेंट्स है, या यूं कहें इस भीड़ में घुसे हुए जो उपद्रव्य है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज बन सकते हैं। और यही हुआ जिसका डर था। आप देखिए कि जिस तरह से हमारी टीम पर हमला हुआ है, जिस तरह से हमारे हरीश घायल हुए हैं, वो बतला रहा है कि ये पूरी तरह से कानून के साथ खिलवाड़ करने के लिए और यूं कहें कि दिल्ली को बंधक बनाने के लिए घुसे थे। और जब इनका नंगा चेहरा कैमरे में कैद होने लगा तो इस तरह से ये हमले पर उतावर हो गए और इन्होंने फिर ये नहीं दिखा कि इनका हमला मीडिया के खिलाफ है, पुलिस के खिलाफ है, प्रशासन के खिलाफ है, या भारत की संपत्ति के खिलाफ है, या फिर यूं कहें। लेकिन मधुरेंद्र, ये सवाल तो पूछा जाए किसान आंदोलन के उन तमाम आयोजकों से, किसान आंदोलन के उन तमाम नेताओं से जो कह रहे थे कि संविधान की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखा गया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया जाए? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था को किस तरह से ताक पर रखा गया है, संवैधानिक व्यवस्था को किस तरह से इस आंदोलन में घुसे हुए जो बैड एलिमेंट्स हैं उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की है, जो गुंडे आतताई हैं उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की है, जो इसमें घुसे हुए आप देखिए कि उपद्रव है उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की है। और हिंसा बताती है कि किस तरह से इनके भीतर ऑलरेडी ये प्लानिंग चल रही थी कि किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा करनी है, दिल्ली को बंधक बनाना है, दिल्ली को जलाना है, दिल्ली में हिंसा को अंजाम देना है। और जब कैमरे में इनके चेहरे कैद होने लगे, इनकी हिंसा की तस्वीर जो है वो कैद होने लगी, तो उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया के पर हमला कर दिया, हमारी टीम पर हमला कर दिया। और जिस तरह का यह हमला हुआ वो बताता है कि इनके लिए कोई मायने नहीं रखता देश का संविधान, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता देश का गणतंत्र, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता संवैधानिक व्यवस्था, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता जो प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक अंजाम देने के वादे है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह से हिंसा की आड़ में जो है वो पूरी तरह से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उतरे थे दिल्ली में, क्योंकि जो करार हुआ था उस करार की अगर हम बात करें तो पुलिस और किसान
चार नेताओं के बीच लगातार मैराथन बैठक में तय हुआ था कि किस रूट पर निकलेंगे, किस तरह आउटर दिल्ली के रूट का प्रयोग किया जाएगा। इन्होंने वादा किया था कि शांतिपूर्वक जो है वो इनका मार्च होगा, संवैधानिक मार्च होगा, लोकतंत्र में जो अधिकार अपने विरोध प्रदर्शन का, उस विरोध प्रदर्शन के इनके अधिकार को सुनिश्चित किया पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने। बावजूद इसके इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र को धोखा दिया है, जनतंत्र को धोखा दिया है, गणतंत्र पर कालिक लगाने की गुप्त कोशिश की है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये हमला उसी का एक हिस्सा है।